नमस्कार दैनिक शिफ्टा का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो कि पंजाब से आ रही है, बताना चाहेंगे। ये जो पूरा मामला है, पंजाब पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, और ये कार्रवाई क्या की है ये भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। ये मामला है देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में एक चूक हुई। 2022 का ये मामला था जिसमें एक SP और अन्य कुछ अधिकारियों को, यानी उन्हें कुल मिलाकर 7 लोगों को पर गिरी है गाज। गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब पुलिस से मांगी थी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के सबमिट होते ही अब गाज गिरी है उन ऑफिसर पर जो उस समय ड्यूटी पर तैनात थे। पूरी खबर क्या है वो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा चूक के आरोप में एक SP, 2 DSP समेत 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया, यानी निलंबित कर दिया गया है। बताना जाए पंजाब पुलिस ने 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के लिए एक पुलिस अधीक्षक यानी SP और 2 पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP समेत 7 अधिकारियों को निलंबित किया है। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री फिरोजपुर में एक रैली में शामिल होने जा रहे थे, तभी किसानों ने रास्ता रोक दिया। प्रधानमंत्री के काफिलों को करीब 20 मिनट तक रोका गया। इस मामले में बताना चाहेंगे अब तक तत्कालीन SP फिरोजपुर गुरविंदर सिंह सांगा, DSP प्रसन्न सिंह, DSP जगदीश कुमार, इंस्पेक्टर तेजिंदर सिंह, बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और ASI राकेश कुमार को निलंबित किया जा चुका है। राज्य के DGP के एक पत्र में कहा गया है कि निलंबन का आदेश 22 नवंबर का है। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में PM मोदी के काफिले की सुरक्षा में सेंध लगाने के वक्त ड्यूटी पर तैनात SP गुरविंदर सिंह सांगा को निलंबित कर दिया गया था। घटना के वक्त गुरविंदर सांगा फिरोजपुर के SP पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद कड़ी जांच शुरू की गई, और साथ ही साथ पिछले साल हुए मामले में कार्रवाई की गई है, यानी जाँच शुरू थी, जाँच की जा रही थी, पर अब जो बड़ी कार्रवाई हुई है। पंजाब DGP की रिपोर्ट के मुताबिक गुरविंदर सिंह सांगा ने को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। गुरविंदर सिंह तब फिरोजपुर के SP ऑपरेशन थे। गुरविंदर सिंह फिलहाल बठिंडा में तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कहा कि उसके द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति ने कहा है कि फिरोजपुर SSP अपने कार्यरत का निर्वहन करने में विफल रहे। हालांकि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान पर्याप्त बल मौजूद था। मुख्य न्यायाधीश NV रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने समिति की रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता समिति ने कहा कि ब्लू बुक के यानी आवधिक संशोधन के एक निरीक्षण समिति होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि फिरोजपुर SSP कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के में विफल पाए गए हैं। पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद वे ऐसे करने में विफल रहे हैं, और भले ही उन्हें 2 घंटे पहले सूचित किया गया था कि प्रधानमंत्री उस मार्ग से प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि उनकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करना पड़ गया भारी, क्योंकि उस समय क्या कहा था, काफ़ी यानी किसान आंदोलन चल रहा था, और जो कि देश के प्रधानमंत्री थे वो एक रैली में शामिल होने जा रहे थे, और उसी के चलते जब किसान आंदोलन ने उन्हें रोका और लगभग 20 घंटे तक उन्हें रोक दिया गया, उसी के चलते SP जो थे उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आने वाले हैं, तो उस व्यवस्था को चूक माना गया, और चूक के चलते लगातार कार्रवाई की गई, और गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल था और चूक की गुंजाइश नहीं थी। उसी के चलते ये चूक हुई, जो रिपोर्ट सबमिट की उसे पाया गया कि पुलिस बल काफ़ी था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट तक वहां रोके रखा गया, और उनकी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया गया। उसी के चलते अब पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बताना चाहेंगे कि उस कार्रवाई में एक SP, 2 DSP समेत 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक करना पड़ गया महंगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद,
जबर।